आज है आपकी बहन की ट्रैवलिंग और इतना ही रश था, अंदर की सूरत हाल भी इसी तरह से खराब थी। सबसे बुरा पता है मुझे एक चीज लगती है, इतने सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैं उठा लूँ, मैं जवान हूँ अम्मा, आप ओल्ड हो चुकी है। आज कमल काशी खान को अपने बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। आयशा को बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग इस्लाम में तो आए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे। वालेकुम अस्सलाम। Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Mirabika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. न्यू व्लॉग, जैसे कि आप सब जानते हो आज है आपकी बहन की ट्रैवलिंग और कहाँ जाना है सारी चीजें आप लोग को इसी व्लॉग में देखने को मिलेंगी। जल्दी जाके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियो का हर अपडेट आप लोग को फटाफट से मिल जाए। अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मुझे बहुत बुरी लगती है सुबह सुबह की फ्लाइट, बट खैर बिल्कुल अर्ली फ्लाइट नहीं है हमारी। टाइम अभी हो रहा है 10:48 एंड हमारी जो फ्लाइट है वो है 1 बजे की, तभी टाइम है हमारे पास। इतने जल्दी जल्दी रेडी होते हैं जो हमें लाइक पहनना है, मेकअप शेकअप जो भी बड़ा है वो करना है, तो बस जल्दी जल्दी करते हैं फिर निकलते। सो गाइज फाइनली आई एम रेडी और लेट हो रहा है जिसकी वजह से मैंने अपने बाल अभी नहीं बनाए, गाड़ी में मैं बना दूंगी तभी बस निकलते हैं। दिस इज माई फुल आउटफिट, आई एम टोटली रेडी, सम बैग, माई हेडफोन्स, ग्लासेस एंड मम्मा। सो गाइज आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ मेकअप, जो स्टेंट लगाया लिपस्टिक लगाई है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो नींद आती है फ्लाइट में, तो मैंने कहा कि चलो आराम से पहले पहुँच जाते हैं। मम्मा इज गोइंग विद मी, मम्मा फुल रेडी हो तो बस पहुँचते हैं एयरपोर्ट। लंबी लाइन थी, इतना ही रश था और अंदर की सूरत हाल भी इसी तरह से खराब थी। अब देखना ये है कि अंदर इतना ज्यादा रश ना हो क्योंकि लाइन में खड़े खड़े ना अजीब है, खतरनाक किस्म की धूप, खतरनाक सूरत हाल। चलो हवा तो चल रही है, 1 बजे की है, 12 तक। थैंक गॉड इतना नहीं है, जैसे मैं एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत बहुत रश होगा, इतना नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा था। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह की है, मैं उस लाइन से हट के इस लाइन में आ गई क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग हैं और यहाँ पे कम लोग हैं, जिस वजह से मैंने कहा यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। मम्मा वहाँ पर रैप करवा रही हैं बैग्स। समझ से बाहर है कराची और कराची एयरपोर्ट्स के रूल्स, वीडियो में बना रही लाइक व्लॉग शूट कर रही और कह रहे हैं कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। कहाँ कहाँ से इनके फॉरन रूल्स चेंज हो जाते हैं आई डोंट नो, बट हैज एनी वेज अब हम लोग जा रहे हैं और अच्छा खासा भी टाइम है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा फिर उसके बाद हमारी। सो हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं। मम्मा हमें कितनी देर वेट करना है अभी? मुझे लगता है अभी यहाँ पे तो 15 मिनट। ठीक है, आपको कुछ खाना है? वैसे तो हमारी जो टिकट्स होती है उसमें बहुत सारा खाना मिलता है, तभी हम हमेशा इस पर ट्रैवल करते हैं। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज क्योंकि प्रमोशन टाइप हो जाता है। बस उठी है, सुबह से उठी हूँ, बच्चों का स्कूल भेजा और पानी। तवज्जो फरमाइए फ्लाइट ना की, जितने भी लोग हैं प्लीज जल्दी चले जाएं यार क्योंकि कानों में लग रही है आवाज़। अभी मामा और मैंने लिए कॉफ़ी, बट कॉफ़ी के साथ हमने कुछ खाने को भी लिया है ताकि यू नो तबीयत ख़राब ना हो, ना कॉफ़ी से मुझे सर में दर्द हो जाता है, मुझे वॉमिट टाइप हो जाता है, पिछली दफ़ा भी सर्दी जाती है यही हुआ था, तो इसलिए थोड़ी सी मंचिंग करते हैं उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी जब। सो यहाँ पर जो है वो हमारा काइंड ऑफ नाश्ता आ चुका है। अब आप कॉफ़ी पीकर बताएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट बता दी थी, आई होप कि वैसी ही हो, मुझे अपनी पे डाउट हो रहा है बट लेट्स सी। टिश्यू मैं साथ में लेना भूल गई हूँ, इतनी ठंडी हो रही है मेरे हाथ में, इतनी सर्दी सर्दी सी लग रही है और हमारे हाथ में बैग्स जो है वो बहुत हैवी।
फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके हैं और इतनी मशक्कत हुई है ना, इतना रश था, पूरी इस तरह से रो बनी हुई थी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। खैर अभी हम लोग बैठ गए हैं और टोटली हमारा जो प्लेन है वो फुल है, एक पर्सन भी लाइक एक सीट भी खाली। कॉफ़ी मैंने ले तो ली थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इतने अनकोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ पर। मामा और मैं साथ में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्रैम होता है तो हमारी तीनों की सीट्स होती हैं। यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली तीसरी सीट जो है वो किसी और की है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है होस्टेस को प्लीज रिप्लेस कर दो यहाँ पर क्योंकि हम बहुत अनकम्फर्टेबल हैं। तुमने साफ मुँह पर मना कर दिया कि नहीं, प्लेन इज टोटली फुल, हम नहीं कर सकते। मतलब वॉट इज दिस, आप चाहो तो कर सकते हो बट फिर भी आप नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्या किस तरह के लोगों के आजकल। Hours later. So finally we are here in Islamabad. Our shukr alhamdulillah khairiyat se hum log pahunch chuke hain. To mast kisam ki neend aa rahi hai. इतने सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं। थैंक गॉड रश से बाहर आके सुकून की जगह पर आ गए। इतना रश था, इतना रश, प्लेन की बात आ रही हूँ मैं। हम लोग बैठे रहे, मैंने कहा मामा बिल्कुल एंड में उठना है, जब सब लोग चले जाएंगे ना फिर मैं उठूँगी, ताकि वो जो बार बार रुकना पड़ता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। मामा अपनी स्नैप्स बना रही है, जल्दी आ जाए मम्मा। अब तक तो कोई नामो निशान नहीं है हमारे बैग्स का। बैठ जाए, हम बैठ बैठ के थक तो नहीं गए। नहीं नहीं मैं उठा लूँ, मैं जवान हूँ मम्मा, आप ओल्ड हो चुकी है। अरे भाई भारी है, आई डू मम्मा। मुझे पता है आपने उठा लिया, आपके दो तीन दिन तक हाथों में दर्द रहेगा, इसलिए आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। समझ रहे हो ना अभी बात? अभी का तुम उठा लोगी। बड़ा वाला बैग हमारा आ चुका है, अब वो छोटा आ रहा है, वो रहा लाल वाला। जल्दी आ गया आज बैग। अरे चुन्नू मुन्नू तो बड़ा हल्का सा है, इसे लेटा नहीं। चलो भाई, आज कमल काशी खान को अपने बेटे की कमी महसूस नहीं है, अब कमल जाके घर में बताएगी बैग्स उठाए। ले जाते हैं रेस्ट रूम, ज़रा थोड़ा हुलिया हुलिया दुरुस्त करते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, फिर जाएंगे बाहर। एक हाथ से बहुत मुश्किल है गाइस, तो इसलिए ब्लॉग को साइड रखना होगा। गाइस इतना रशी वॉशरूम मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा, इतना रश था अंदर कि मैं नहीं बता सकती। गाइस सबा जी हमें लेने आई है, वो बेचारी कब से वेट करी, मैं क्या करती यार वॉशरूम में इतना रश था कि मैं निकल ही नहीं पा रही थी। ऊपर से मामा ओल्ड लेडी थी और अच्छा नहीं लगता ना, मैं पहले जाए तो मैंने वेट किया था। पता है इंतजार सबसे बुरी चीज है। अच्छा इतनी खूबसूरत लड़की का इंतजार, एक्साइटमेंट होती है, ठीक है दूसरा भी वेट करो तो होता ही नहीं, असल में टाइम कटता ही नहीं है। गाइस सबा जी हम अकेले आई हैं क्योंकि आयशा को बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग इस्लामाबाद आए हैं। मैं सोच रही कि क्या उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, वो इतना खुश हो जाएगी ना, मुझे वो खुशी देखनी है उसके चेहरे पे। मैंने बिल्कुल उसको पता नहीं लगने दिया कि ऐसा कुछ है, मेरा कोई प्लान है आने का, बट इनको मैंने अपने लूप में ले लिया था, ये आ गई है मुझे काफी बहाने बना के आई है। कराची में भी बहुत गर्मी थी, प्लेन में भी बहुत गर्मी थी, अभी यहाँ पर आई हूँ तो भी बहुत गर्मी है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है कि मेरा पूरा ये हेडफोन जो है ना गीला हो गया है। नहीं है।
प्लेन वाला जो खाना था वो ऑफ कर दिया था, टेस्ट बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था, तो फिर हमने कहा कि चलो यार पहुंच कर ही खा लेंगे। खुरैम हसन खान तो फुल एंजॉय कर रहे थे। आयशा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, सोच भी नहीं सकती थी कि ये सरप्राइज भी मिल, बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल एकदम सोच भी नहीं आई, 1% भी शक भी नहीं हुआ। मुझे पता था इसको आ ही नहीं सकती, इसको यकीन ही नहीं था कि मैं कभी आऊंगी। बहुत भूख लग रही है, भूख में कुछ भी मिल जाए बंदा खा लेता है। फूड इज हेयर, इसके बगैर जिंदगी अधूरी है, बस अब फटाफट से खाते हैं। पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया फ्रेंड, सरप्राइज पूरा खा के अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत स्पेशल इंतजाम किया हुआ है, उम्रा मुबारक का। वाह वाह वाह, क्या बात है, इंतजाम होता है, आपने मौका नहीं दिया हमें। हाय अल्लाह, यही स्पेशल है मेरे लिए। बस आप बैठे और आप भी आए, आप भी आऊँ, ये लोग करके आए उम्रा। आप अब भाई हमारे भाई मुबारक, और ये हमारे भाई भैया को भी बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो। अल्लाह करे अगली दफा आप अपने हम सफर के साथ जाएं, आप अपने हम सफर आपके साथ जाएं। ये मैं अपनी बहन को बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये भाई भाई नहीं आए ना, तो उनका भाई के हिस्से का, भाई के हिस्से का जीजू जो है। खैर मुबारक है भाई, अपने जीजू के लिए उन्होंने हार पहनाया मुझे, माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट टाइम आपके हर हिस्से का पहनाएंगे। अल्लाह ताला आपको बार बार अपने घर में बुलाए, ये बहुत किस्मत की बात है। हम सबको इंशाल्लाह हाजी नसीब करवाए, ये सबसे बड़ी बात है, और आप सबको भी, आप सबको, ये मेरे जितने भी फैंस हैं। चलो भाई आ जाओ, ओ तुम भी तो आ जाओ, आप ही है भाई के साथ। मैं भी हूँ। बहुत मुबारक हो उम्रा आपको, खैर मुबारक, अल्लाह ताला ऐसे हज नसीब करवाए आप लोगों को भी इंशाल्लाह, और नेक्स्ट उसका केक काटेंगे। डाइटिंग खराब ना हो, अपने खा लिया। दोबारा से जा रहे हैं बाहर, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, फुल एकदम कंफर्ट जोन में आ गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग कुछ खाने। यहाँ पे हम लोग आए हैं मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट, आप लोग को ये बात पता होगी कि चीज़ियस जो है वो हमारा बहुत फेवरेट है, और जब भी लाइक इस्लामाबाद हम लोग लाहौर विजिट करते हैं हम हमेशा चीज़ियस खाते हैं, सो अभी भी हम लोग ने सोचा कि वाई नॉट चीज़ियस खाने जाए। यहाँ पे आ रही है नींद, बट हम सब बहुत ज़्यादा डबल एनर्जी में, और ऐसे ही होता है रात में, लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी में होती है। सबसे ज़्यादा माशाल्लाह रबी का काशिक खान, लेकिन क्या मजेदार लग रहा है शक्ल से, इसको देख के कैसे रुका जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग, जल्दी जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।